बाबा। हाँ जी, माता जी का प्रश्न है, टाटा कंपनी में ऐसा फाइन आया है कि मूर्ति शंकर का मूर्ति है और शिव का भी मूर्ति है। मूर्ति कहा जा रहा है? मूर्त माने मूर्ति, मूर्त और अमूर्त दो शब्द हैं। मूर्त माने साकार और अमूर्त माने निराकार। जो शिव नाम है वो निराकार ज्योति बिंदु का नाम है या मूर्ति का नाम है? तो शिव अमूर्त है, वो सदैव ही अमूर्त है। और शंकर उसकी मूर्ति भी है, लेकिन जब संपन्न स्टेज बनती है तो मूर्ति होते हुए भी मन बुद्धि से उपराम होने के कारण अमूर्त है। अर्थात उस मूर्ति से बुद्धियोग टूट जाता है, कोई अटैचमेंट नहीं। तब शिव शंकर एक कहा जाता है। हाँ जी, स्कूल जाना कि नहीं? स्कूल में देवताएं भी पढ़ाई पढ़ते हैं। तो तुम पढ़ाई नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे है? दागली पढ़ाई नहीं पढ़ना है? ठीक है। और बाप दादा कहते हैं जो बड़ा है पहले उनका नाम लिया जाता है, वैसे ही देवदेव महादेव शंकर को कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, शंकर उसको ब्रह्मा क्यों नहीं कहते? ये इस सृष्टि की बात है। भगवान जब आते हैं तो भक्ति की दुनिया में आते हैं या ज्ञान की दुनिया में आते हैं? है? अज्ञान की दुनिया में आते हैं। तो अज्ञान की दुनिया में जब आते हैं तो भाषा भी कैसी का बतानी पड़े, है? अज्ञानियों जैसी ही भाषा, इसलिए पहले उनको ब्रह्मा के बारे में बताया जाता है। छोटा बच्चा भी होता है तो उसको पहले बाप का परिचय देते हैं कि माँ का परिचय होता है? माँ का परिचय होता है। रुद्राक्ष में एक मुख नहीं दिखाते, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, एक मुख वाला मणका मिलता ही नहीं, विरला होता है, और अनेक मुख वाले भी रुद्राक्ष होते हैं। ऐसे नहीं कि रुद्राक्ष में एक मुख दिखाते हैं, एक मुख वाला तो किसी ने देखा ही नहीं, और जिसने देखा है वो ओरिजिनल देखा या डुप्लीकेट देखा? तो डुप्लीकेट देखा। हाँ, तो वो अच्छा
पता चला होता है लेकिन वो आला अच्छा हो रहा होता है ना एक मुख में कर देता होता है। हाँ मेरा तो एक ही नाम है असली और बाकी नाम है सब नकली, क्योंकि काम के आधार पर नाम पड़े हैं। कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा, राम वाली आत्मा राम भी काम करता है, शिव भी काम करता है, शिव काम करते हैं एक ही पर्सनालिटी में ना। लेकिन उसमें शिव काम करते हैं। लेकिन मुख किसका है? अरे मुख शिव का है या ब्रह्मा का है? पर्सनालिटी तो शिव हुए ना। लो तीन पर्सनालिटी का हुए। तुम पर्सनालिटी का अर्थ ही नहीं जानते हो। अभी बताएगा ना तीन पर्सनालिटी का। व्यक्त तीन नहीं है, व्यक्त माने पर्सनालिटी। पर्सनालिटी अर्थात व्यक्ति, व्यक्त जो आंखों से देखने में आए वो व्यक्त, व्यक्ति पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक है या तीन है? पर्सनालिटी तो एक ही है, जिसका अपना मुख है वो मुख तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिना उस मुख के तो काम होने वाला नहीं। बाकी दो और जो आत्माएं होती हैं उनमें एक आत्मा सफल है जो कार्य करती है, जो पार्ट बजाती है, उस पार्ट बजाने में एक आत्मा सफल और एक असफल। पार्ट तो बजाती है ब्रह्मा की आत्मा विरोधाभास का, लेकिन रिजल्ट में असफल रहती है या सफल रहती है? असफल हो जाती है। भगवान को जो कार्य करना है, जो पार्ट बजाना है, उसका जो रिजल्ट निकालना है वो रिजल्ट निकलता है। इसलिए एक ही मुख माना जाता है, जो सफल होता है उसी का गायन होता है, असफल का कोई गायन नहीं। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, फालतू गाल बजाते रहते। शिव बाबा अच्छी अच्छी बातें बोलते, सार की बातें सुनाते, वो बीच में इंटरफियर करके अपनी बोल देते। तो जो इंटरफियर करके जो बातें बोली जाती हैं वो निस्सार बातें हैं, अयथार्थ बातें हैं या सार वाली बातें हैं? अयथार्थ बातें हैं। अब नहीं, अभी इंटरफियर करके नहीं बोलता है ब्रह्मा। अभी गीता का भगवान से मान लिया है? अरे वही तो बात कही जा रही है कि ब्रह्मा की सोल अंत तक अनर्गल प्रलाप करती है, जैसे गधा रेंकता है, फालतू रेंकता, ढेपू ढेपू ढेपू। बरसाती मेंढक होते हैं, फालतू टर्र 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 करते रहते हैं। उनको फॉलो करने वाले तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाषण दे रहे हैं लंबे चौड़े, रेडियो में, टीवी में, चैनल्स में। अर्थ कुछ है? कुछ निष्कर्ष निकलता है? कुछ भी नहीं। तो किसकी औलाद है? हैं? देखो, इसलिए एक मुख है यथार्थ में, वो ही सत्य है। ये ब्रह्मा है, नहीं ब्रह्मा सूक्ष्म शरीरधारी है,
उसको अपनी आत्मा का सूक्ष्म शरीर का बंधन है, लेकिन संग के रंग में आकर के बीज रूप स्टेज बन जाती है। जब तक बीज रूप स्टेज है तब तक वो राम वाली आत्मा में अथवा रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करके कार्य करने वाला है। चेहरा मोहरा बदलता नहीं है बच्चों का। जब सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो गुलजार दादी में चेहरा मोहरा बदल जाता है। अक्ष माने आँख। बाबा हम ऊंचते ऊंच रायल बाप के बच्चे हैं, तो हमारे संस्कार भी रायल होने चाहिए। रावण के बच्चे नहीं बनते बीच बीच में है? बनते हैं कि नहीं? बनते हैं। तो दोगले हुए या एक बाप के हुए? तो फिर दोगले संस्कार है। तो खुशी हो जाओ, ढोल बजाओ। क्यों? दुनिया की हर आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है कि नहीं है? जो पहला ब्राह्मण है वो पहला देवता बनता है। पहला देवता, पहला क्षत्रिय, पहला शूद्र। तो शूद्रों में सबसे बड़ा शूद्र कौन हुआ है? जो पहला नंबर, जो आदि, तो अंत। तो इसमें नई बात क्या है? क्या राम और रावण? क्या आप ही बताए? हाँ, रामी रावण बनता है। हैं? अरे ये थोड़े ही बताया कब राम रावण बनता है। बनता तो है, लेकिन टाइम कोई निश्चित है या नहीं है? सत्युग में राम रावण बनता है, त्रेता में बनता है, द्वापर में बनता है, कलयुग के आदि मध्य में बनता है, नहीं बनता? तब बनता है जब सब आत्माएं जो ऊपर से आकर के नीचे अति तमो प्रधान पार्ट बजाय लेती है, और जो तमो प्रधानता का पार्ट सारी दुनिया को खलास करने का है, जो गीता में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? है आत्मनिष्ठ स्टेज में स्थिर होने वाला सारी दुनिया की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, ऐसी स्टेज में टिकने वाली एक भी आत्मा नहीं। तब वो पार्ट बजाता है। तो टाइम भी तो निदा हुआ है। वो दिन वो बात हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, सारी तमो प्रधानता का विनाश, तमो प्रधान धर्मों का विनाश, तमो प्रधान धारणाओं का विनाश, तामसी दुनिया का विनाश, वो काम वो करके दिखाता है। और जब तक वो कार्य नहीं होगा तब तक प्रकृति सतो प्रधान नहीं बन सकती। तो तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान हो जाएगा? क्यों खटखटाता है दिल में? और
भक्ति मार्ग अज्ञानी है हाँ वही बाप डाला है ना वही बाप डाला है ना सब भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग सब का फाउंडेशन माने बाप ही अच्छा करता है बाप ही बुरा करता है ये मतलब है और क्या कह रहे तुम ही तो कह रहे हो आप बताए हम तो बताया कि राम राज्य और रावण राज्य राम राज्य जो है उसमें एक मुख है यही तो बताया और रावण राज्य में अनेक मुख है तुंडे मतुर अन्ना मुरली तो एक मुख से चलाई गई ब्रह्मा के मुख से अब उसके अर्थ अनेक प्रकार के हैं जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी उतने उनके अर्थ तो सत्य तो एक ही होगा या सारे ही होंगे तो जो एक सत्य होगा उसका कोई एक ही मुख होगा या दस पांच होंगे एक मुख होगा वो कह रहे हैं कि वो ही सत्य का मुख है और वो ही रावण का मुख है तुम्हारे कान शुरू में दो माए तुम्हारे कान कच्चे सुनते हैं सुनते हैं कच्चे गरीब सुनते हैं है? नया तो बताते नहीं बताए सर बताते हैं नया कुछ नहीं हम बताते नया बता रहे नया नहीं बताते तुमने जो समझा किसी और ने भी समझाइए यहाँ जितने लोग बैठे हैं तुम्हारी बात किसी ने समझी एक माँ दिति एक माँ दिति और एक माँ अदिति जब षष्ठी की शुरुआत हुई तो दो माताएं थी यही तो बताया वो ही भक्ति मार्ग में बताया वो ही क्लैरिफिकेशन में बाबा ने बताया माताएं दो हैं एक बड़ी माँ एक छोटी माँ है वो लक्ष्य को प्राप्त करने वाली है वो बड़ी माँ है तो बड़ी माँ सारे जगत की माँ है लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है असुरों की अम्बा बनना ये लक्ष्य है ये तो लक्ष्य नहीं है क्या लक्ष्य है देवताओं की माँ बनना अच्छा लक्ष्य है तो नारी से लक्ष्मी बनना जो लक्ष्य है वो ही ज्ञान है और बाकी अज्ञान है शिव बाबा ज्ञान सूर्य है वो ज्ञान चंद्रमा है आपको पता नहीं है ब्रह्मा बाबा चंद्रमा का पार्ट है सितारे का पार्ट है या सूर्य का पार्ट है चंद्रमा का पार्ट है तो चंद्रमा कब उदित होता है रात में उदय होता है तो रात में उनकी वाणी चलती है शिव बाबा सदैव कहेंगे गुड मॉर्निंग और मुरली में आता है माया जी जगत जी प्रकृति जी बनना है प्रकृति जीत वो ही बन सकता है जिसने आत्मा को जीत लिया मन को जीत लिया मनरेव आत्मा
मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन के वाइब्रेशन कंट्रोल कर लिए, एकाग्र कर लिए, तो प्रकृति भी एकाग्र हो जाएगी। वाइब्रेशन एकाग्र होने से दुनिया के सब जीव जंतु एकाग्र बुद्धि हो जाते हैं। ये मनसा की बात, मन को कंट्रोल करने की बात मनुष्य ही के अधीन है, जानवर नहीं कर सकते वो कार्य। तो पहले है मन बुद्धि आत्मा को एकाग्र करने की बात, इसमें लंबा टाइम लग जाता है। जब संगठित रूप से इस सारी शक्ति की बीज रूप आत्माएं एकाग्र बुद्धि हो जाती है, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाती है, तो जहां वो संगठन तैयार होता है वहां की प्रकृति जीत ली जाती है, वहां के वाइब्रेशन ऐसे बंधे हुए होंगे कि प्रकृति विनाश का कार्य नहीं कर सकती। वहां पर सुरक्षित रहेंगे वो। ऐसे पावन स्थान दो हैं इस साकार सृष्टि पर, एक माउंट आबू और एक यमुना का कंठा दिल्ली, जिसे बोला है दिल्ली परिस्थान, दिल्ली कब्रिस्तान। बाबा अध्यक्षवाणी और साकार वाणी दोनों को बोला ना, वो प्रोज और पोएट्री ऐसा बोला ना, फिर वार्तालाप इसमें आता है। वार्तालाप तो बच्चों का है, वार्तालाप क्या है? वार्तालाप तो प्रश्नोत्तर है, जिनकी बुद्धि में प्रश्न उठ खड़े होते हैं, प्रश्न अर्थात संशय उठ खड़े होते हैं, उन संशय का समाधान है। और तुलसी है पतिव्रता नारी, ऐसी पतिव्रता नारी जिसका पहले भगवान भोग लगाता है, जब तक वो तुलसी भगवान को अर्पण न की जाए तब तक भगवान का भोग पूरा नहीं होता। ऐसी तुलसी जो भगवान का भोग लगाने के निमित्त बनती है, वो तुलसी आंगन में आरोपित की जाती है, बेडरूम में आरोपित नहीं की जाती। इसका मतलब है कि तुलसी का पार्ट तो है पहले पहले अर्पण होने का भगवान के प्रति, पहले पहले वह भगवान का भोग लगाती है, निमित्त बनती है, तब दूसरी आत्माएं निमित्त बनती है। उसे देख करके पहला कदम उसका है, इस बात में तो श्रेष्ठता है, लेकिन फिर निभाने वाली बात जहां आती है वहां आदि से लेकर के अंत तक जो निभाना चाहिए वो नहीं निभा पाया, राक्षस की बन गई। भगवान की बनते बनते माया की परीक्षा आई तो किसकी बन गई? माया रावण की बन गई। तो जलंधर राक्षस दिखाया है, जलम माने
ज्ञान जल को धर माने धारण कर लिया, धर के बैठ गया। ज्ञान जल को कैसे धारण कर लिया? वास्तव में भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को आज में भी जगदम्बा ने धारण किया था और यज्ञ में निमित्त बनी थी, और अंत में भी जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो भी वो जगदम्बा ज्ञान जल को धारण करने के निमित्त बनती है। परंतु उस धारण करने वाली जगदम्बा को वो असुर धर के बैठ जाता है, तो नाम उसका पड़ा जलम धर। वो राक्षस है, दोनों ही भगवान को नहीं पहचान पाते। जो मुरली ने बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। नहीं तो वृंदा जो तुलसी का दूसरा नाम है, वो पतिव्रता नारियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। आखिरी जब रिजल्ट निकलेगा तो वो जगदम्बा, वो तुलसी, वो वृंदा लक्ष्मी तो नहीं बनेगी, लेकिन महालक्ष्मी का टाइटल धारण कर लेती है। महालक्ष्मी बनी जैसे महाब्राह्मण बड़ा या ब्राह्मण बड़ा, महाब्राह्मण होता है करनी घोर। कोई मर जाते हैं घर में तो उनका जो भी होगा गली बूदा सारा उठा के किसको दे देंगे? करनी घोर ब्राह्मण को। कहा क्या जाता है? महाब्राह्मण। तो कहने में लगता है कि बड़ा है, लेकिन करनी में वो ब्राह्मण वास्तव में बड़ा नहीं है। ऐसा हर जगह नहीं होता है कि जहां महा शब्द लग जाए तो बड़ा ही होगा। और आदि में पहला पत्ता कहाँ जा रहा है? उनके जन्म से पहले आठ का हुआ बोलते हैं। वो पत्ता है? अरे जो आठ है वो पत्ते हैं या बीज हैं? तुम आठ की बात बोल रहे हो तो पहले उनको पक्का करना पड़े कि वो आठ बीज हैं या पत्ते हैं। छोटे परिवार में जन्म हुआ ना बाबा? जो आठ है वो तो बीज है, बीज धरणी के अंदर बोया जाता है और पत्ता बाहर निकलता है। तो सचिव की नई सृष्टि जो है उसमें पहला पत्ता कृष्ण है। क्या वो बाहर सृष्टि की शुरुआत है? ये बीज रूप आत्मा है तो फाउंडेशन डालने वाली है नई सृष्टि का। फाउंडर है, फाउंडर माने बाप। पत्तों के साथ उनका मेल नहीं हो सकता। यज्ञ के आज में भी ऐसे ही है। वो आठ जो है यज्ञ के आदि में गुप्त हैं, जैसे बाप गुप्त रहा, एडवांस में आने के बाद पता चला कि पहले पता था है? पहले पता ही नहीं था। ब्रह्मा के मुख से शिव बाप ने बताया भी कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से पहले प्रजापिता ऐड करो, ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखने से पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखो, तो भी बुद्धि में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस मुख से बताया गया वो मुख निमित्त नहीं है समझाने के, वो माँ का पार्ट है।
तो वो सेवा जब बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तब असलियत प्रत्यक्ष होती है। किसने प्रवेश किया? साक्षात्कार जब हुआ तो प्रवेश किया। हाँ, कुछ पल, वो पल अलग अलग नहीं है? अलग अलग नहीं है, नहीं। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा करने की पहली प्रक्रिया होती है, तो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे होते हैं उस पल में, या अलग अलग पल होते हैं? टाइम अलग अलग होता है या एक ही होता है? एक ही होता है। हाँ, ये कहेंगे कि माता में सुनाने के लिए प्रवेश किया, तत्क्षण उसी क्षण बाप में प्रवेश किया सुनने और समझाने के लिए। ऐसे नहीं होता है कि कोई सुनाए तो सुनाने का पल पहला और समझने का पल बाद में। कोई सुनाता है तो जो श्रुड बुद्धि है सुनने के साथ ही साथ सुन भी सकता है और समझ भी सकता है और फिर समझा भी सकते हैं। तो माता और पिता दोनों की एक्ट साथ साथ है, आगे पीछे नहीं है। ब्रह्मा पहले चाहिए या ब्राह्मण पहले चाहिए? तो उल्टी बात बोल रहे हो, तुम्हें वाक्य ही याद नहीं रहा, वाक्य को घुमा देते हो। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं, ऐसे नहीं बोला है। ब्रह्मा बगैर ब्राह्मण कैसे बनेगा? हाँ, तो पहले ब्रह्मा चाहिए सुनने के लिए, तो प्रजापिता ब्राह्मण तो पहला बना, लेकिन ब्रह्मा चाहिए या नहीं चाहिए ब्राह्मण बनने के लिए? तो कौन? जब प्रजापिता ब्राह्मण है पहला, तो पहला ब्राह्मण बनने के लिए उसके सामने ब्रह्मा कौन था? जगदम्बा। आज में एक सूर्यवंशियों का जन्म कैसा हुआ है? आपका जन्म कैसा हुआ? सूर्यवंशी पहले सूर्य है या पहले चंद्रमा है? ये पहले पृथ्वी है, पहले सूर्य है। तो जब सूर्य है पहले, तो सूर्य अपनी जनरेशन पहले तैयार करेगा या चंद्रमा की जनरेशन पहले तैयार करेगा? है, अपनी जनरेशन पहले तैयार करेगा। तो आठ जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो सूर्यवंशी पूर्वज हैं, वो पहले पहले हैं। पहले सूर्यवंश तैयार होता है, बाद में फिर चंद्रवंश तैयार होता है। और हाँ जी, रचयिता वो अच्छा जो अपनी रचना को रचे और रचने के बाद उसका अंत तक संरक्षण करे, या वो अच्छा कि रचना रचे और बीच में ही छोड़ दे? हाँ, वो रचयिता अच्छा। तो ऐसे ही भगवान सिर्फ देवताओं का है या भगवान सिर्फ राक्षसों का है या दोनों का है? है, भगवान बाप तो दोनों का है।
कीड़े मकोड़ों की जो शक्ति है वो आत्माओं की शक्ति नहीं है, वो भी आत्माएं हैं। उन आत्माओं को जीने का अधिकार नहीं है, उनको भी जीने का अधिकार है। तो यहाँ प्रश्न आया है, काशी में भस्मासुर राक्षस घुसकर तीन बार वहां के यज्ञ वत्सों को मारता है, फिर भी उसे शिवलोक प्राप्त होता है। लेकिन भस्मासुर को जन्म देने वाला कौन है? भगवान ने ही तो उसको जन्म दिया। भगवान जिसका बाप है तो बाप अपने बच्चे को मुक्ति का वरदान नहीं देगा? तो दिया तो क्या हर्जा हुआ? मुक्ति का वरदान दिया, जीवन मुक्ति का तो नहीं दिया। लिखा है काशी में तो देव आत्माएं ब्रैकेट में सूर्यवंशी ही जाते हैं, पर भस्मासुर कैसे घुस जाता है? अच्छा, जो काशी में जाकर मरते हैं वो मरने वाले क्या देवात्मा ही होते हैं? और आत्माएं काशी में जाकर मरने वाली नहीं होती है? जीते जी मरती नहीं है। अगर मरेंगी नहीं तो दूसरे धर्मों का फाउंडेशन कैसे लगेगा? रुद्रमाला के मन के जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें अगर दूसरे धर्मों की आत्माएं नहीं होंगी तो नई दुनिया का फाउंडेशन लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? इसलिए काशी तो बाप की नगरी है, सारी शक्ति बाप की है। इसलिए बाप मुरली में कहते हैं स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? भस्मासुर भी किसका है? बाप का है। और पढ़े नहीं रखता हूँ जमा को पंचानन कहते हैं, अच्छा माने जब प्रवेश करके कोई बोलता है बक 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 करता है तभी प्रवेशता साबित होती है। क्या कर्म करके दिखाए नहीं जाते हैं? प्रवेश करके, प्रवेश करके अच्छे अच्छे कर्म करके दिखाए वो ज्यादा अच्छा, या मुख से बोल बोल करके जाए वो ज्यादा अच्छा? क्या अच्छा है? कर्म करके दिखाए तो जो ओम राधे है उसके द्वारा फॉलो करके दिखाया ब्रह्मा को, जैसा मम्मा ने फॉलो किया ब्रह्मा बाबा को, ऐसा किसी भी ब्राह्मण वत्स ने फॉलो नहीं किया। ऐसे ही छोटी माँ, छोटी माँ का मुख से बोला हुआ ज्ञान वो गायन नहीं है, लेकिन जो कर्म किए हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि पार्ट ही प्रैक्टिकल है, जो एडवांस पार्टी है उसमें तीन प्रकार की आत्माएं हैं। एक है योजना बनाने वाली, प्लानिंग करने वाली, प्लानिंग पार्टी। दूसरी है
इंस्पिरेटिंग पार्टी और तीसरी है प्रैक्टिकल पार्टी। तो योजना बनाना, योजना को वाणी में लाना, नक्शे तैयार करना, ये रुद्रवत्सों का काम है। और ब्रह्मा जैसी आत्माएं उन रुद्रवत्सों में प्रवेश करके इंस्पिरेट करती हैं, उनको उमंग उत्साह देती हैं, वो दूसरा वर्ग है। लेकिन इससे काम संपन्न नहीं होता। कोई कितना भी अच्छा इंजीनियर हो, कितनी भी अच्छी प्लानिंग करता हो, कितना भी अच्छा नक्शा बनाता हो, उससे काम संपन्न होने वाला नहीं है। क्या चाहिए? प्रैक्टिकल काम करने वाले भी चाहिए। तो प्रैक्टिकल पार्टी है लक्ष्मी का ग्रुप, छोटी माँ का ग्रुप। और प्रैक्टिकल होता है हमेशा प्योरिटी से। दुनिया के सारे कार्य प्योरिटी से ही संपन्न होते हैं। प्योरिटी होगी तो कार्य सफल होगा, प्योरिटी नहीं होगी तो कार्य सफल नहीं हो सकता। तो जो प्योरिटी वाला ग्रुप है, लक्ष्मी वाला ग्रुप है, वो प्रैक्टिकल पार्टी है। लक्ष्मी वाली आत्मा 63 जन्मों में वो कार्य नहीं कर पाती कि प्रैक्टिकल में धारणा करके संपन्न कर दे कार्य को, नई दुनिया बना दे। क्यों नहीं कर पाती है? अरे कोई कारण है कि नहीं? भगवान नहीं आते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिकल कार्य तभी संपन्न करती है जब शिव आकर के कार्य कराते हैं। एडवांस ज्ञान लिए बगैर सच्ची पवित्रता धारण नहीं कर सकती, निवृत्ति मार्ग की पवित्रता धारण होती है और वो झूठी पवित्रता है। तो पक्का ज्ञान जब लक्ष्मी को मिलता है एडवांस का, तो पक्की पवित्रता हो जाती है। घर गृहस्थ की कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी इंद्रियों को कंट्रोल करने की वृत्ति आ जाती है, तब सच्ची पवित्रता कही जाती है। फिर प्रैक्टिकल नई दुनिया स्थापन होती है लक्ष्मी के द्वारा। माताएं निमित्त बनती है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव लक्ष्मी के द्वारा कार्य नहीं कराते। विष्णु के 5 रूप हैं, 4 भुजाएं और 1 उनको चलाने वाला। तो ब्रह्मा के भी 5 रूप हैं, पंचानन कहा जाता है। और 5 ही ब्रह्मा, नाम तब ही ब्रह्मा पड़ता है जब भगवान बाप को कार्य कराने के निमित्त बन करके निमित्त बनाते हैं उस आत्मा को। इसलिए ऐसे नहीं कहेंगे कि छोटी माँ या ओम राधे मम्मा वो ब्रह्मा का पार्ट नहीं है। नहीं, कोई पार्ट गुप्त होता है और कोई पार्ट प्रत्यक्ष होता है। और उनको
लिस्ट तो उसकी है ही नहीं, लिस्ट साकार की होती है या लिस्ट आकार और निराकार की होती है? जो माला बनती है वो माला प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वालों की माला बनती है या जो प्रैक्टिकल में है ही नहीं उनकी माला बनती है? भूत प्रेतों की माला फरिश्तों की मान्यता विदेशियों में होती है, इस्लामी और क्रिश्चियंस और यहूदी वगैरह ये फरिश्तों को मानते हैं, भूत प्रेतों को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते, वो अलग बात है। ब्रह्मा को फॉलो करने वालों में असुरों की संख्या ज्यादा है या देवात्माओं की संख्या ज्यादा है? असुरों ने ज्यादा फॉलो किया और असुरों को ही वरदान ब्रह्मा से मिलते हैं। इसलिए ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ता है तो जो फॉलो करने वाले हैं उनका भी हार्ट फेल होकर के शरीर छूटता जाता है। नहीं कर रही अभी मम्मा बाबा, तुम बच्चों में प्रवेश करके पाठ नहीं बजाते हैं? भूतनाथ तो भूतनाथ नहीं कौन है फिर? देवी तो एक ही है, बाकी तो अनेक प्रकार के रूप बनाए हुए हैं। जैसे जैसे रूप वैसा वैसा पाठ बजाती है। यज्ञ के आज में कौन सा संबंध था ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। वो तो भाई का अभी भी है। जो रुद्रमाला के मणके 8 सूर्यवंशी मणके हैं, पूर्वज हैं सारी दुनिया के, वो तो अभी भी आपस में भाई भाई हैं। आत्मा की पहचान शरीर से बनता है, क्योंकि वो शरीर के आधार पर भी बोल सकते हैं। क्या अनुमान से नुकसान होता है या फायदा होता है? बाबा आप इसीलिए अनुमान नहीं लगा रहे, बाबा से जान पूछ रहे। क्यों पूछ रहे? जिस बात का प्रूफ नहीं है, बुद्धिमान बच्चे बाप के बिना प्रूफ और प्रमाण के मानने के लिए तैयार नहीं। भले बाप कहे तो भी अगर प्रूफ प्रमाण के बगैर कहता है तो बात मानने योग्य नहीं है। बाबा ने तो बोल दिया मैं आज की मर्जी से अर्जुन का ज्ञान सुनाता हूँ, आज ही के बाद तो सुनाता हूँ, तो ये थोड़ा ही कह दिया कि आज ही सुना दूंगा। ये भी तो कहते हैं कि आज ही सारा ज्ञान सुना दूं तो आगे चल के क्या सुनाऊंगा। तो तुम इतने प्रश्न पूछते हो, हम तो पाया नहीं पाया तो नहीं पा पाओगे। हाँ ये भी तो अभी नहीं कहा ना, मैं आज का बात आज ही नहीं बता दिया, मजी का बात मजी में। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हाँ जो आज में बताना था वो आज में बताया, मध्य में बताना हुआ वो मध्य में बताया, और अभी जो बताना है वो अभी बता रहा हूँ, और आगे जो बताना होगा वो आगे बताऊंगा। आगे की बात अभी क्यों बता दूं? और बाबा मेरा सीने टेढ़ा होना चाहिए, बड़ी माँ
कि मैं आई तो उनका पैसा सभी को हुआ। सभी को कैसे हो जाएगा? जो पैदा होते जाएंगे उनको होता जाएगा, जो बाँस से पैदा ही नहीं होते हैं उनको कैसे हो जाएगा? हाँ मुर्गाबाद की क्लास में बताया गया है। हाँ सूर्यवंश की बात ही बता रहा हूँ, बारे में बताया गया। क्या बुद्धि से पहचान बुद्धि से पहचान पिछले पत्र में हाँ लंबा का नाम दिखाते हैं ना बाबा। हाँ और सूर्यवंशी की माँ को बुद्धि से पहचान जगदम्बा तो सारे जगत की अम्बा है, तो जो सारे जगत की अम्बा है अगर उसका नाम न लिखा करके सूर्यवंशी माँ का नाम लिखाना है लिखाया जाना शुरू कर दिया जाए तो लोग कहेंगे क्या सारी शक्ति सूर्यवंशियों की है, सारी शक्ति जगदम्बा की है या सूर्यवंशी की है? जगदम्बा की है। इसलिए हर मनुष्य आत्मा को चाहे भी किसी धर्म की फॉलोअर हो उसको माँ का परिचय दिया जाता है और बाप का परिचय दिया जाता है। कोई ये ना कह सके कि हम तो इस सृष्टि के थे ही नहीं तो हमको ये चीज इसकी दरकार ही नहीं। हाँ जो उस कुल के होंगे वो जगदम्बा के बच्चे सूर्यवंशी माँ को भी पहचान लेंगे। उन्हें अलग से पहचान देने की भी दरकार नहीं है, नहीं तो गुह्यात गुह्यतर है ज्ञानम, ये बात गलत हो जाती है। गुह्यते गुह्य राज सुनाता हूँ, तो ये गुह्य राज सारी शक्ति के लिए गुह्य राज है, तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनके लिए गुह्यते गुह्य है। ज्यादा गुह्यता में जाने वाली आत्माएं हैं वो स्वतः ही पहचानेंगी, उनको पहचान देने की जरूरत नहीं है। और जैसे हम बाबा को साकार रूप में देख रहे हैं ऐसा माँ के बारे में हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? तुम्हारा पार्ट नहीं होगा तो तुम कैसे जानोगे? अरे जिनका पार्ट होगा वो ही जानेंगे ना। अनुमान कहाँ है? अनुमान नहीं, अनुमान नहीं, पहचान बताई है। सूर्यवंशियों की पहचान होगी सूर्य जैसे सब भस्म कर देता है वैसे सूर्यवंशी बच्चे अपने देहवान को भस्म करने वाले होंगे। भस्म करने की निशानी होगी न तन की परवाह करेंगे, तन के कपड़ों की परवाह नहीं करेंगे कि घर वालों से हमें कपड़े मिल जाएं या हमारा पैसा बैंक में पड़ा हो तो हम जब जरूरत हो तो कपड़े बनवा लें। तन के लिए खाने के लिए भी जरूरत नहीं, उनको जो मिलेगा वो खाएंगे यज्ञ में से मीठा करके वो। और दुनिया की जो और वंश की आत्माएं हैं उनके मुकाबले ज्यादा नष्ट मोह होंगे। और नष्ट मोह की निशानी है कि उन्हें बाप ही प्रिय लगेगा, कोई संबंधी प्रिय और किसी की परवाह भी नहीं करेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इसमें अनुमान की बात क्या है? बाबा ये बोला गया जो सूर्यवंशी अम्मा को पहचान है वो माता ही है, पहचान है वो सौते लेता है, जो नहीं पहचान है वो तो ठीक है। जब 4.5 लाख निकलेंगे तो वो मरे हुए होंगे या जिंदा होंगे? जीते जी मरने वालों की लिस्ट में होंगे या जिंदा रहने वालों की लिस्ट में होंगे? और काशी के लिए गायन है जो मरता है तो स्वर्ग में जाता है। तो 4.5 लाख जितने भी होंगे वो सब कौन हुए, कौन से वंश के हुए? सब सूर्यवंशी हुए। कोई आज बनेंगे कोई कल बनेंगे। बाबा माथे के सौते का बोलने का राज क्या है? यही राज है कि वो एक माँ के बच्चे हैं। पढ़ाई पूरी होगी
जब तक जीना तब तक पीना, ये पढ़ाई जब तक पूरी होगी उनकी तब तक वो माँ को पहचान लेंगे, उनकी पहचान में आ जाएगी, यही हमारी सूर्यवंशी माँ है। इससे ज्यादा प्योरिटी और कोई माँ में होती नहीं है। बाबा भाई माता जी को तो पिता क्यों दिया है? उनका पहचान तो सभी को होना है। मेरा भी बेटा सूर्यवंशी स्थापन करने के लिए आया। सभी को कहाँ हो गया? बेसक वालों को हो गया है? बेसक वालों को नहीं हुआ? सभी कहेंगे तो उनमें 500 करोड़ आ जाते हैं। जिन्होंने बाप को पहचाने थे उन लोगों की बात नहीं। हाँ हाँ, जिन्होंने बाप को पहचाना तो बाप को पहचानने वाले अम्मा के बगैर थोड़े ही बाप के बन जाते हैं। पहले अम्मा को पहचानते हैं कि पहले बाप को पहचानते हैं? है? पहले तो अम्मा को पहचानते हैं। पहचानने वाले नहीं बोले, ये नहीं बोले अम्मा को पहचानने वाले, शब्दों को बदलो मत। ये बोला कि देवी की पूजा करने वाले हैं रावण संप्रदाय। क्या कहा? पहचानने वाले नहीं, देवी की पूजा करने वाले हैं रावण संप्रदाय। तन मन धन से पूजा की जाती है। तन भी अर्पण करेंगे, धन भी अर्पण करेंगे, मन भी अर्पण करेंगे, संबंधी भी अर्पण करेंगे, समय भी अर्पण करेंगे। किसके प्रति? माँ के प्रति अर्पण करेंगे। उनसे पूछा तुम्हारा बाप कहाँ है तो जानते नहीं। जय माता दी, बाप का नाम निशान नहीं। भाई के लिए ऐसा है? भाई के लिए बना है? ये ऐसे के लिए बना है, गीता का भगवान कृष्ण इसीलिए बना है ये। हाँ, द्रौपदी को है ना? अच्छा है, उसमें द्रौपदी हाँ तीन जने द्रौपदी को से तीन उदय हुए दो हो बच्चा पैदा होगा, बच्ची पैदा होगी, दोनों ही पैदा होते हैं कि एक पैदा होता है? ध्रुव पद, जिसका पद ध्रुव है तो उससे पैदा होने वाले भी प्रवृत्ति मार्ग के होंगे, निवृत्ति मार्ग होंगे। जो ध्रुव है वो प्रवृत्ति मार्ग का होगा, निवृत्ति मार्ग का होगा। अरे सारी सृष्टि प्रवृत्ति से तैयार होती है या निवृत्ति से तैयार होती है? प्रवृत्ति से तैयार होती है। ध्रुव शब्द ही कनेक्टेड है प्रवृत्ति से। निवृत्ति मार्ग तो द्वापर से शुरू होता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए। जो नई सृष्टि होती है उसमें बच्चा पहले पैदा होता है या बच्ची पहले पैदा होती है? बच्चा पहले जन्म लेता है। तो दस्त दुम्न पहले पैदा हुआ और बाद में द्रौपदी पहले बाद में पैदा हुई। वो कोई दुष्ट अच्छा नाम क्यों ऐसा? दुष्ट नहीं है, दस्त है। दृष्ट का मतलब है अरियल, स्वभाव संस्कार से हिलने वाला नहीं। पांडव सेना का सेनापति था। और हाँ बोलो बोलो।
ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे तीन महानदियों को भी अपनी अभिनेता की शक्ति से बच्चे बना दिया, तो फिर ऐसे देवी का पूजा क्यों नहीं होता? और उनके लिए कहा गया पवित्रता की बीज है के रूप में उनका पूजा क्यों नहीं होता? अनुसुईया के रूप में, हाँ अनुसुईया के रूप में पूजा नहीं होता? अरे तुमने देखा ही नहीं अनुसुईया के, तो लक्ष्मी और पार्वती और सरस्वती तीनों पांव पूजती है, वो तो उनकी सास हो गई। जब तीन देवियों की सास है पूजनी है तो सारी दुनिया की पूजनी है। तुम भले नहीं जानते हो कि तुम पता नहीं कौन से धर्म के हो। तो फिर आप हम थोड़े कह रहे हैं कि तुम किस धर्म के, तुम नहीं जानते हो तो बताया। तीन देवियां भी उसकी पूजा करती हैं, तीन देवताएं भी उसकी पूजा करते हैं, माता के रूप में मानते हैं तो पूजनीय तो हो गई। और तीसरे तुम थे। हाँ चित्रकूट में है। और कोई ने पूछा है मिनी मधुबन में सुबह के क्लास में सफेद ड्रेस पहनते हैं लेकिन शाम के क्लास में कलर ड्रेस पहनते हैं, सुबह और शाम के क्लास में इतना डिफरेंट क्यों है? उसका कारण ये है कि मिनी मधुबनों में मोस्टली डेली क्लास करने वाले लोग नहीं होते हैं, संडे संडे आने वाले हैं। मिनी मधुबनों में जितने रेगुलर क्लास में आने वाले हैं उससे ज्यादा तो गीता पाठशालाओं में लोग आते हैं। क्या गीता पाठशालाओं में नित्य क्लास करने वालों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है और मिनी मधुबनों में क्लास करने वालों की संख्या नगण्य है? हाँ सुबह को थोड़े ज्यादा होते हैं और शाम को कोई मोस्टली आते ही नहीं है। तो जब आते ही नहीं है घर वालों की संख्या ज्यादा है इसलिए चाहे जैसे पहन लो। सफेद कपड़े तो इसलिए पहनने के लिए रखा गया है कि वातावरण बने, सफेद रंग का वातावरण होता है, आंखें जैसा देखती है वैसा वाइब्रेशन बनता है। ओम शांति।